Hello students, today we have to read about the impact of reforms on Indian society. The religious and social reforms started in 19th century in India had positive change in every section of Indian society like education, culture, politics, social religion and economic. अब हमारी इंडियन सोसाइटी पर ये जो सारे धार्मिक और समाज से से की सेवा से संबंधित जो सुधार से संबंधित जो कार्य हो रहे थे 19 सेंचुरी में, इसका बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, उसकी एजुकेशन, कल्चर, पॉलिटिक्स, सोशल एंड रिलीजन एंड इकोनॉमिक, ये सारे ही क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया और लोगों की जो मानसिकता थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई. बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना हो गई, वीमेन की कंडीशन में सुधार हुआ, फ्रीडम और नेशनलिज्म की फीलिंग में बढ़ोतरी हुई और स्टेबिलिटी आई. तो ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई, बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट थे जो कि हमारी सोसाइटी पर इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के पड़े. Now development of education, literature, art and science. All the social reformers worked for spread of education and also made individual efforts that helps to increase the number of colleges and schools in the century. सारे रिफॉर्मर्स जो थे वो सोशल रिफॉर्मर्स जो थे वो एजुकेशन के स्प्रेड के लिए काम कर रहे थे और इसी के चलते बहुत सारे स्कूल और कॉलेजों की स्थापना हुई. पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस की स्थापना की. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की. विद्यापीठ की स्थापना की गई वाराणसी में, अहमदाबाद में, अलीगढ़ में. और सबसे बड़ी बात कि इंडियन रिफॉर्मर्स फाउंडेड अ नेशनल एजुकेशन काउंसिल टू लेसन द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन एजुकेशनल सेंटर्स एंड पॉलिसीज. जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे उन्होंने नेशनल एजुकेशन के द्वारा जो लेसन्स थे उसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स का जो इम्पैक्ट हमारे एजुकेशनल सेंटर्स पे पड़ रहा था और जो पॉलिसीज उनकी जो थी उसका जो इम्पैक्ट हमारे देश में पड़ रहा था वो सारा उन्होंने उस एजुकेशन में डाल दिया, जिससे हमारे देश में बहुत अवेयरनेस आ गई. कल्चर थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म अवर रिफॉर्मर्स interpreted the significance of Indian culture and laid emphasis on the knowledge of Vedas and this awakened new awareness towards the culture of India. अब जो हमारे social reformers थे, जो social movement थे, उनके द्वारा हमारा जो Indian culture था उसको बहुत ही बल मिला और जो वेदों का knowledge था वो सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशी countries तक भी पहुंचा और इससे लोग हमारे culture के बारे में aware हो सके. Literature and art. During the 19th century, literature in every modern Indian language began to develop. Literature became an important instrument for promoting patriotism and national feeling. New form of literary writing such as novel, short stories, drama and essay began to develop. तो 19th सेंचुरी में आर्ट और जो लिटरेचर था वो इंडियन लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न तरीके से डेवलप हुआ और उसके साथ साथ उसने नेशनलिज्म की जो पैट्रियोटिज्म की जो फीलिंग थी उसको भी बढ़ाने में हेल्प की. बहुत सारे लिटरेरी के नए नए तरीके, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा, इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई, इनका डेवलपमेंट हुआ. द मोस्ट फेमस अचीवमेंट ऑफ लिटरेरी वर्ल्ड वॉज द वंदे मातरम कम्पोज बाई ग्रेट बंगाली राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड जन गण मन अधिनायक पेंड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. दीज सॉन्ग्स वर एक्सेप्टेड एज नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम एंड इन इंडिपेंडेंट इंडिया. तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो हमारा राष्ट्रीय गान है जनगणमन वह लिखा गया और उसको बहुत ही बृहद पैमाने पर स्वीकार किया गया और इसके साथ साथ जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है उसे बंगाली राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा और बाद में उसे नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम इन दोनों की के रूप में एक्सेप्ट किया गया. तो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम एंड नेशनल एंथम जनगण मन. एंड ऑल्सो इकबाल कम्पोज फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इन 1913. रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज कन्फर्ड विथ नोबल प्राइज फॉर हिज लिटरेरी वर्क गीतांजलि. नाउ डेवलपमेंट ऑफ साइंस. मैनी रिफॉर्मर्स एसोसिएटेड साइंटिफिक डेवलपमेंट विथ द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री सो दे लेड मोर स्ट्रेस ऑन टीचिंग ऑफ साइंस एंड विथ
This aim in view, scientific societies and research centers were set up. In the 20th century, Indian Science Congress Association was set up, which drew scientists from across the country on one platform. P.C. Ray, J.C. Bose, Sevi Ravan, Satyendranath Bose, Meghnath Sahad, D.N. Wadia and Birbal Sahni were the prominent scientists whose contributions were significant. तो साइंस का भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे रिफॉर्मर्स जो थे वो समझ रहे थे कि साइंस की कितनी वैल्यू है, इसलिए उन्होंने साइंस की टीचिंग पर जोर दिया और इसके साथ साथ उन्हें समाज में साइंस को समझने के लिए उसे फैलाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया और साइंटिफिक सोसाइटीज और रिसर्च सेंटर का भी सेटअप किया गया, स्थापना की गई। इसके साथ साथ 20 सेंचुरी में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिससे कि अब जो हमारे देश के साइंटिस्ट थे उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म मिला। बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट थे जैसे कि सीवी रवन है, सत्येंद्रनाथ बोस हैं और भी बहुत सारे थे जो जिन्होंने की अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वी विल रीड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन द नेक्स्ट वीडियो।